नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत में स्वागत है। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा की जेल में बंद कैदियों ने भी जेल में ही भगवान गणेश के इस महोत्सव के मौके पर उनकी मूर्ति स्थापित की। यहां मूर्ति की पूजा भी कैदी करते हैं, आरती भी कैदी करते हैं और कैदियों में मिलकर गणपति जी का पंडाल भी सजाया है। उनका मानना है कि गणपति की आराधना करने से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उनके मन से नेगेटिविटी दूर होती है। जेल प्रशासन भी उनके इस अच्छे काम में उनकी मदद कर रहा है। कैदियों ने मिलकर पहले तो गणपति जी का पंडाल सजाया, उसमें लाइटिंग की, उसके बाद जेल प्रशासन की मदद से पंडाल में करीब 2 फीट के गणेश प्रतिमा की स्थापना की। अब रोज यहां कैदी मिलकर गणेश जी की आरती गाते हैं। खास बात यह है कि गणपति की पूजा करने वाले भी कैदी हैं, आरती और ढोलक बजाने वाले भी कैदी हैं। जेल अधीक्षक अदिति चतुर्वेदी ने बताया कि हमने जेल के अंदर गणेश प्रतिमा की स्थापना की है, जिसमें कैदियों ने पूरे पंडाल को सजाया है। इस आयोजन को इसलिए किया गया है कि गणेश उत्सव के दौरान कैदी उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाए और उनके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वे दूर हो सके। इससे कैदियों के दिमागी टेंशन भी कम होती है। ये हम लोगों ने गणेश उत्सव का आयोजन यहाँ जिला जेल खंडवा पर किया है, जिसमें बंदियों द्वारा पंडाल सजाया गया है और गणपति जी की कर्मचारियों के साथ और बंदियों के साथ मिलकर स्थापना की गई है। और ये बेसिकली इसीलिए हमने किया है कि जो बंदी हैं, ये जो कुछ दिन हैं गणपति उत्सव के, उसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ में इसको त्यौहार को उन सबके साथ में मना पाएँ और जितनी भी नेगेटिविटी उनके अंदर है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। और सभी बंदी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह शाम की आरती में भी सभी लोग उपस्थित होते हैं और सभी एक साथ मिलकर गणपति वंदना करते हैं। पिछले कुछ दिनों से, जब से गणपति जी की हमने तैयारियां स्टार्ट करी हैं, तब से पंडाल में लगने वाला सभी सामान और बाकी सारी चीज़ों की भी तैयारी बंदियों के द्वारा की जा रही है। तो उनका दिमाग भी जो है, दिमाग से कुछ हद तक टेंशन कम हो करके और वो अपने परिवार की तरफ से भी थोड़ा सा उन्मुख हो करके और गणपति जी की पंडाल की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जिससे कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिला है। जिस तरीके से शासकीय नियम है उस हिसाब से ही, जो पूर्व अनुमानित रहता है और पूर्व से नियम बने हुए हैं, उस हिसाब से ही बंदियों को भोजन और बाकी सभी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। और जो साल भर के हमारे 13 त्यौहार आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन पर बंदियों के लिए पृथक से जो डाइट निर्धारित की गई है वो दी जाती है। तो आरती जो है वो कौन गाता है, बंदी गाते हैं या कोई बात है? वह आरती के समय पर सभी जो कर्मचारी उपलब्ध होते हैं उस समय पर और अधिकारी के साथ में बंदियों को हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ ही आरती और जो वंदना है वो करते हैं सुबह शाम। ढोलक बजाने वाले और झांझ बजाने वाले ये लोग कौन है? ये सभी बंदियों में से ही हैं और जो आपने पंडाल देखा होगा वो पंडाल शुरू से लेकर अंत तक सजाने वाले भी वही हैं। थर्माकोल की कटिंग से लेकर मूर्ति में जो साज सज्जा है वो भी, और उसके अलावा खाना जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने वाले, आरती कराने वाला जो पंडित है वो भी, और ढोलक और झांझ बजाने वाले भी जो है वो बंदी ही हैं। खंडवा से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।